हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने किचन से। तो बता दूँ कि मेरा किचन अभी तक सेट नहीं हुआ है और बस सामान मैंने ऐसे ही जरूरत का रखा हुआ था सामने सामने, मुझे इसे सेट करना ही पड़ेगा। तो मैं सेट कर ही रही थी कि वैसे लाइट गोल हो गई, तो मेरा सब काम आधे बीच पे ही रुक गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कबाड़ बना दिया है अपने किचन का। तो गाइस देख सकते हो आप कि यहाँ पे मैंने पूरे डब्बे निकाल के रखे हुए हैं। और ये जो आपको बोरियाँ दिख रही है पीछे, ये दो बोरियाँ, इसमें सब छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, जिसमें से मुझे ये बड़े डब्बे में से सामान निकाल के छोटे में ट्रांसफर कर, ये जितने भी बड़े डब्बे हैं वो मैं पूरे ऊपर डाल दूंगी। तो गाइस बस लाइट आने का वेट करते हैं और तब तक कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मैं चाय पी लेती हूँ ताकि मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए काम करने की। और जब किचन सेट करूंगी या सेट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गाइस मैं आपको चाय पीने के बाद मिलती हूँ। गाइस अभी लाइट आ चुकी है और अभी मुझे खाना बनाने में भी 1-1.5 घंटा टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ मैं किचन का काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं बोरियों से छोटे छोटे डब्बे निकाल रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे डब्बे मुझे बाहर रखने थे और अभी तक के मैंने किचन अच्छे से सेट नहीं किया था। तो मैंने सारा सामान बड़े बड़े डब्बों में एक साथ डाल दिया था। सामान निकालने के बाद मैं सारे बड़े डब्बों को ऊपर छज्जे पे डाल दूँगी। सो गाइज मेरा अभी इतना ही काम हुआ है, मैंने इतने ही डब्बे जमा लिए हैं। और आप देख सकते हो मेरी किचन की हालत अभी कुछ इस तरीके से हो रही है। और साथ ही साथ मैंने खाना भी बना लिया, तो अभी ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो खाना खाने के बाद मैं इसे सेट करती हूँ। मैं सभी आधा काम मेरा पूरा बचा हुआ है। सो गाइस मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस अभी हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए ऊपर। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाइस थोड़ी देर कर लेती हूँ मैं वॉक और उसके बाद जाऊँगी नीचे, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा। तो फिर मुँह हाथ धो के फिर हम पूजा करेंगे। वही मेरी वॉक ख़त्म और मैं जा रही हूँ नीचे। चलिए मेरा किचन प्रॉपर सेट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेट किया है। सो गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने किचन कैसे सेट किया है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर रैक लगाया हुआ था, आप पहले की वीडियो में देख सकते हो। तो जो मैंने रैक लगाया था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, वो थोड़ा झुक रहा था, तो मैंने वहाँ से निकाल कर रैक को रख दिया है नीचे। मैंने नीचे सेट कर दिया है और जो डब्बे वगैरह हैं 2-3 जो मुझे काम रहते हैं वो मैंने वहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पर रख दिया है मैंने सिर्फ जो नाइफ वगैरह मैं यूज़ करती हूँ वो रख दिया है। तो मैं किचन के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही रखने वाली हूँ और बाकी पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो खाली रहेगा। तो आप देख सकते हो कि किचन अभी कैसा लग रहा है। ये है गाइस फाइनल लुक मेरे किचन का। और जो नीचे जितने भी डब्बे थे ना वो मैंने सब ऐसे ऊपर डाल के रख दिए हैं, जिनका मुझे काम बहुत ही कम होता है। तो गाइस फाइनली मेरा किचन प्रॉपर सेट हो गया। अब इसके बाद मुझे किचन में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना होगा। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन होगा कि मैं कैसे सेट करूं तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा किचन कैसा लग रहा है, कि मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है और जितना भी मैं मैनेज कर पाई सेट कर पाई उतना मैंने कर दिया अपनी साइड से।
लास्ट सेटिंग घर की बची हुई है और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पर्दे जो मेरे बच गए थे, ये बेडशीट है न्यू जो रखी हुई है, और ये मेरा लालू है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये सारी चीजें हैं जो अभी सेट नहीं हुई है तो मैंने इसका कबाड़ बना के रखा है, और यहाँ पे एक लास्ट बोरी रखी हुई है जिसपे भी बहुत सारे जरूरत के सामान हैं जो मुझे रखने हैं। तो फाइनली गाइस कल मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा, ए टू जेड मेरी घर की सेटिंग हो जाएगी, और इसके बाद आई होप कि मुझे कोई भी चेंजेस ना करना पड़े और ये मेरी लास्ट सेटिंग हो। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत सारे डेकोरेशन के सामान बहुत सारे ऑर्डर करने हैं और कुछ मार्केट से लेके आने हैं, तो जब फाइनल मेरा घर पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को होम टूर जरूर दूंगी अपने घर का, कि मैंने घर को फाइनली कैसे सजाया है और किस तरीके से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ, वो सब आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा ब्लॉग। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, बाय गाइज।